और फिक्र में आज सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। वहां नवरात्र पर मां दुर्गा की पूजा करने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द दिखाएंगे। आज नवमी है, इस विशेष दिवस पर भारत में हमारे कई दर्शकों ने अपने घरों में मां दुर्गा की पूजा की होगी या फिर पूजा पंडालों में जाकर उनकी आराधना की होगी, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा होगा। आपने इस खास दिन को अपनी धार्मिक आस्था के साथ बिना किसी अशांति के बिताया होगा, लेकिन बांग्लादेश में आज के दिन देवी के भक्तों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था का कैसे अपमान हो रहा है, जब ये बात आपको पता चलेगी तो आपको बहुत दुख होगा। हम एक एक करके वहां की ये सभी अप्रिय घटनाएं आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत एक ऐसे पाप से जिसके बारे में जानकर मोदी सरकार भी चिंतित हो उठी। ढाका से 325 किलोमीटर दूर और कोलकाता से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक जिला पड़ता है, सतखीरा। यहां के श्याम नगर इलाके में देवी काली का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जेशोरेश्वरी मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में कल ही दिन के उजाले में क्या अपराध हुआ है? यहां देवी काली का एक विशेष मुकुट चोरी हो गया है। ये मुकुट स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने देवी को 3 वर्ष पहले पहनाया था। आपको यह सीसीटीवी वीडियो देखना चाहिए। सफेद टी शर्ट और जींस पहने ये चोर मंदिर में पीछे के दरवाजे से घुसता है और मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा से मुकुट निकालकर वहां से बड़ी आसानी से फरार हो गया। ये दोपहर 2 बजे की बात है, यानी दिन दहाड़े। उस समय मंदिर में पूजा हो चुकी थी, पुजारी यहां से जा चुके थे, मंदिर की साफ सफाई हो चुकी थी, मंदिर के अंदर उस समय कोई भी नहीं था। हम आगे बढ़े और इस मंदिर के धार्मिक महत्व को विस्तार से बताएं। उससे पहले आपको यहीं का 27 मार्च 2021 का एक और वीडियो दिखाते हैं। उस समय पूरी दुनिया कोविड संकट का सामना कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी तब बांग्लादेश के दौरे पर थे, वो मास्क लगाकर जेशोरेश्वरी मंदिर गए थे, वहां देवी काली की पूजा की थी और प्रधानमंत्री जी ने ही इस मुकुट को तब अपने हाथों से मां काली के सिर पर सजाया था। यह मुकुट चांदी का बना हुआ, इस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, लेकिन अब यह मुकुट वहां पर नहीं है, वो चोर के हाथ लग चुका है। और बांग्लादेश की हैरान करने वाली घटना अब दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर देवी सती की हथेलियां और पैरों के तलवे गिरे थे। यहां देवी सती जेशोरेश्वरी के रूप में निवास करती हैं और भगवान शिव चंडा के रूप में प्रकट होते हैं। इस मंदिर का निर्माण अनारी नाम के एक ब्राह्मण ने 12वीं शताब्दी में कराया था। उन्होंने जेशोरेश्वरी पीठ के लिए 100 दरवाजों वाला मंदिर बनवाया था। बाद में 13वीं शताब्दी में लक्ष्मण सेन ने इसका जीर्णोद्धार कराया और अंत में राजा प्रतापादित्य ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस घटना से यूनुस सरकार पर हिंदुओं की आस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वो तो पहले भी उठ रहे थे। यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदुओं की और उनके मंदिरों की सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हुई है। आगे जो हम और उदाहरण देने वाले हैं, यकीन मानिए आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। देखिएगा जरा, यूनुस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अपनी आस्था के साथ आजादी से जी तक नहीं पा रहे हैं। ऊपर से देवी काली का मुकुट चोरी होना यूनुस सरकार में एक और ब्लैक चैप्टर की तरह है, जिसके बारे में अब खबरें हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने मंदिर में भेंट किए गए मुकुट चोरी का यह सीसीटीवी वीडियो देखा है। सूत्रों के अनुसार वो इस घटना से बेहद आहत है और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की ओर से इस पर बयान जारी करके कड़ी आपत्ति जताई गई है। भारत ने बकायदा बयान जारी करके बांग्लादेश सरकार को क्या नसीहत दी है, आप भी सुनिए। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके कहा है, 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जेशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिए गए मुकुट की चोरी की खबरें देखी।
ये गहरी चिंता का विषय है। बांग्लादेश सरकार चोरी की जांच करे, मुकुट बरामद करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस घटना पर क्या एक्शन लेगी, कितनी जल्दी कार्रवाई करेगी, इस पर पिछले दो महीने का हाल और वर्तमान की दो बड़ी घटनाओं को देखकर थोड़ा नहीं बहुत संदेह हो रहा है। और न जाने क्यों मन में यही ख्याल आ रहा है कि जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की छूट ही वहां के कट्टरपंथियों को सीधे हुक्मरानों से मिली हुई है तो फिर भला उन पर एक्शन कौन लेगा। क्योंकि अब 9 अक्टूबर का ये एक और वीडियो भी देखिए। दावे के मुताबिक रात करीब 2 बजे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने चटगांव जिले के रोजान दाबुआ में दुर्गा मंदिर में हमला कर दिया। हमलावरों ने दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश की, वहां लूटपाट की, लोगों के साथ उनकी झड़प भी हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनमें से कुछ लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। लोगों ने उनसे पूछताछ की। दुर्गा मंदिर पर किए गए हमले के बारे में लोग इस हमलावर से जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन पूरे समय हमलावर आरोपी खुद को बेगुनाह ही बताता रहा। हिंदू मंदिर में हमले का यह आरोपी शख्स तो संयोग से पकड़ लिया गया, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमलावर हिंदू स्थलों और मंदिरों पर लूटपाट और हमले करके भाग जा रहे हैं। कभी उन्हें पकड़ा नहीं जाता या फिर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अब आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बांग्लादेश के रंगपुर जिले का है। दावे के अनुसार रंगपुर जिले के पुट्टी मारी गांव में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने वहां पूजा पंडाल में घुसकर हमला किया, देवी दुर्गा की मूर्ति को तोड़ दिया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इनमें से कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी दोनों ही जगहों पर हमलावरों के खिलाफ एक्शन स्थानीय हिंदू लोगों ने लिया और पुलिस को तो इसकी भनक तक नहीं थी, या यूं कहें कि वो जान पूछकर नींद से जागना नहीं चाहती थी। ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, तो इसका भी वीडियो सबूत हमारे पास है। ध्यान से देखिएगा अगली खबर। आप नवरात्र पर बांग्लादेश के चटगांव का एक और वायरल वीडियो देखिए। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के कई इलाकों में कट्टरपंथी लोगों ने धार्मिक स्थल के अंदर घुसकर हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लामिक पाठ करने को कहा, वहां पर माता के भजन को बंद करवा दिया, उसकी जगह पूजा पंडाल में घंटों तक इस्लामिक गाने और गजलें बजाई गईं। बांग्लादेश के चटगांव में ऐसी शिकायतों पर केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ जेहादियों ने जबरदस्ती पूजा मंडप पर इस्लामिक गाने बजाने को कहा। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के सैकड़ों लोग चटगांव के जेम दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गए, माता के भजन को भी बंद करवा दिया और फिर वहां इस्लामिक गजलें बजाई जाने लगी। पुलिस ने ऐसे आरोपों के बाद गुरुवार रात 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक का नाम है शाहिदुल करीम और दूसरे का नाम है नूरुल इस्लाम। लेकिन आरोप यह भी है, इसके बाद वहीं पर जमात ने मुस्लिमों के साथ मिलकर एक सभा का आयोजन किया, वहां के स्थानीय हिंदुओं को जबरन आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी वायरल है। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर यह कट्टरता देख भी रही है और सुन भी रही है, लेकिन कथित शांति दूत नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस को इन सब बातों की फिक्र नहीं है। अल्पसंख्यक हिंदुओं की आस्था को बार बार चोट पहुंचती है तो भी मोहम्मद यूनुस को शायद फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस फर्क इस बात से पड़ता है कि पाकिस्तान किन बातों से खुश हो रहा है और हिंदुओं पर हमले कराने वाले कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को किस बात से खुशी मिल रही है। सोचिए जरा, यह चिंता का विषय है, लेकिन चिंता सिर्फ हमें उन्हें नहीं है। फिक्र में अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहां से आज जो खबर आई है उसके केंद्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार के विधायक हैं। ये विधायक अपनी ही सरकार की पुलिस से परेशान हैं। किसी की शिकायत है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, किसी ने पुलिस से ही जान का खतरा बताया है, कोई नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस के एक्शन ना लिए जाने से नाराज है, कोई कह रहा है कि पुलिस नशा तस्करों के आगे झुक गई है, इसमें एक महिला पार्षद भी शामिल है। इन विधायकों ने अपनी शिकायतों की सूची के साथ एक पूरी फाइल तैयार की है जो हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने हमें भेजी है। ये विधायक अपनी फाइल लेकर पुलिस थानों से लेकर अधिकारियों के दफ्तरों तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आरोप है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास इन विधायकों के वीडियो और लिखित फाइलें मौजूद हैं, जिन्हें अब हम
एक एक करके आपके सामने खोलेंगे। पुलिसिया व्यवस्था के आगे कैसे एक वीआईपी भी परेशान हो गया, उसकी पहली वीडियो फाइल आपके सामने है। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल है। ये पुलिस से अपने क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने इनकी नहीं सुनी तो ये एसपी दफ्तर पहुंच गए। इसके बाद तमाशा शुरू हो गया। विधायक सुनवाई की मांग को लेकर एसपी के सामने दंडवत हो गए। आप ये पूरी बातचीत सुनिए और समझिए कि बीजेपी के विधायक कैसे पुलिस के सामने दयनीय मुद्रा में है। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा नहीं देना। मेरे जैसा मत करो सर, ऐसा मत, ऐसा नाराज नहीं। ऐसे कौन से गुंडे आए? अरे क्या सारे गुंडे चारों तरफ बाहर कार मच जाए। गुंडों ने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप बोल रहे हो, आप हमको बता रहे हो, बताओ कि क्यों ऐसा करते हो। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम ये भी मान लें कि विधायक साहब कैमरा के सामने थोड़ा सा ज्यादा मेलोड्रामा कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी सवाल तो खड़ा होता है ना कि इनकी सुन कोई क्यों नहीं रहा है वहां पर। ये विधायक हैं, इनकी सरकार है वहां पर। वैसे राजनेता अपनी शिकायतों को भी सियासी एंगल के साथ लेते हैं। कैमरे के सामने विधायक जी ने दंडवत होकर अपने समर्थकों की सहानुभूति का क्रेडिट अपने खाते में कर लिया। अब आपके सामने बीजेपी के एक और विधायक की फाइल खोलते हैं। ये तस्वीरें सागर जिले में देवरी से विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया की हैं, जो थाने में पुलिस के खिलाफ समर्थकों के बीच बैठकर धरना दे रहे हैं। विधायक इस बात से नाराज थे कि सांप काटने से मृत्यु के एक मामले में उनके कहने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। मामला यह था कि डॉक्टर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 40,000 रुपए मांग रहे थे। ये शिकायत लेकर जब विधायक पुलिस थाने पहुंचे तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे विधायक के राजनीतिक रसूख को चोट पहुंची और उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी को भेज दिया। इस्तीफा भेज दिया जिसकी कॉपी अब आपके सामने आने वाली है। दिखाइए जरा यहां पर, यह है वो। हालांकि बाद में नेताओं के समझाने बुझाने के बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो खुद तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन साथ ही विधायकों के वीडियो को पोस्ट करके पुलिस के खिलाफ अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जबलपुर जिले के पाटन से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई उनमें से एक है। इन्होंने एसपी के सामने दंडवत होने वाले विधायक का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदीप जी आपने सही मुद्दा उठाया है, पर क्या करें, पूरी सरकार ही दंडवत है शराब ठेकेदारों के आगे। शिकायतों की सूची काफी लंबी है, इसीलिए बाकी शिकायतों को इकट्ठा करके हमने आपके लिए एक न्यूज रील तैयार की है। आप भी बीजेपी के कुछ और विधायकों और पार्षदों की परेशानी को सुनिए। इस परेशानी पर कांग्रेस की तरफ से ली जा रही चुटकी को भी समझिए और सोचिए कि एमपी कितना अजब है और कितना गजब। समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा नहीं देना। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सारे मध्य प्रदेश के अहाते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। पूरी रोड पर ये पूरा रोड देखिए, अहाते ही अहाते आपको यहाँ पे नजर आएंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने 1 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे सामने आ रहा है। ये केवल एक आधार का छोटा मामला नहीं है, ये कोई गंभीर और गहरी षड्यंत्र और साजिश है। लगातार इन्हीं के विधायक साष्टांग हैं पुलिस के सामने और तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं किस स्थिति में है और पूरे तरीके से अस्थिर दिखती है। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज लखनऊ की मिडनाइट पॉलिटिक्स की खूब चर्चा है, जिसके केंद्र में अखिलेश यादव और जेपी की जयंती। 1974 में संपूर्ण क्रांति के नायक और इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है।
आज उनकी जयंती पर लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आईं कि विरोधी इसे आपातकाल कहने लगे। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ के JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां जाने से रोक दिया। कल यह खबर आई कि अखिलेश यादव JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद अचानक लखनऊ प्रशासन JPNIC के गेट को टीन शेड से कवर करने लगा। अखिलेश यादव को जब यह जानकारी मिली तो वो गुरुवार रात को मौके पर पहुंच गए, लेकिन टीन शेड की वजह से वो मूर्ति तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं रुकेंगे। मतलब गुरुवार रात से ही सियासी कलेश शुरू हो गया। इसे आप मिडनाइट पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। खैर, रात के बाद सुबह हुई, अखिलेश यादव भी तैयार थे, लेकिन तब तक उनके आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस के दो अधिकारी ये बताने पहुंचे कि उनका JPNIC जाना ठीक नहीं है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। योगी सरकार का रुख देखकर शायद अखिलेश भी समझ गए कि अब वो वहां नहीं जा पाएंगे। राजनीति में ये एक मौका भी होता है, क्योंकि माहौल रात में ही बन चुका था। ऐसे में जब अखिलेश यादव वहां नहीं जा पाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर में लगी मूर्ति सड़क पर गया। अखिलेश यादव घर से बाहर निकले और JP की मूर्ति पर विधिवत माल्यार्पण किया। इस तरह उन्होंने रात में किया वादा भी पूरा किया और सियासी कलेश की जमीन भी तैयार हो गई। माल्यार्पण के बाद अब बारी थी आरोपों की, जिसमें एक तरफ योगी सरकार और दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर को बेचना चाहती है, इसीलिए अंदर नहीं जाने दे रही है। जबकि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अखिलेश यादव का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं और दूसरी तरफ JP को भी पूजना चाहते हैं। अखिलेश ने जब सवाल उठाया तो पूरा इंडिया गठबंधन उनके समर्थन में खड़ा हो गया। फिर तो बयानों की फायरिंग शुरू हो गई और JP की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर कल रात से ही शुरू हुआ हंगामा आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। ये लखनऊ में जो सरकार है वो फासिस्ट मानसिकता के लोग हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने से रोक रहे हैं और उसी राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को, क्या अभी भी आपातकाल है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने भी ये सलाह दी है कि ऐसे आप श्रद्धांजलि के कार्यक्रम से किसी को रोक दीजिए तो इससे बड़ा राजनीतिक फायदा होगा आपका, तो बहुत ही गलत सलाह दी। जिन्होंने देश को जेल बनाया, आपातकाल लगाया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों को कुचला, सत्ता की लिप्सा में सपा के नेता अपने आदर्श और विचारधारा को त्याग कर कुचलने वालों की गोद में बैठकर आज प्रश्न पूछ रहे। JP जयंती से जुड़े सियासी कलेश में अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। BJP के साथ उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो JP के आंदोलन से निकले हैं, उन्हें BJP से संबंध तोड़ लेना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार BJP के समर्थन से ही CM है। अखिलेश के इस बयान पर JDU ने तीखा जवाब दिया और कहा कि पहले अखिलेश आत्ममंथन करें कि उन्होंने JP के मूल्यों को कितना अपनाया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। JP जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें
कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। समाजवादी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, एक परिवार विशेष का कब्जा है। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तभी। और फिक्र में अब एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ एक घंटे पहले पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि सिर्फ एक घंटे पहले ही तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर लैंडिंग का ये वीडियो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। ये त्रिची में एयर इंडिया के उसी विमान का है जिसमें प्लेन के लैंड होते ही लोग खुश होकर ताली बजाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे दो घंटे पहले तक एयर इंडिया में हड़कंप मचा हुआ था और तारीफ करनी चाहिए यहां पर पायलट्स की, उनकी सूझबूझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड की। डीजीसीए के साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इस विमान के हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था, क्योंकि तिरुचिरापल्ली से शारजा के लिए उड़े एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान IX613 में एक तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। बोइंग 737 विमान ने त्रिची एयरपोर्ट से शाम 5:45 पर उड़ान भरी। इस प्लेन में 141 यात्री सवार थे। तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद यह विमान फ्यूल खर्च करने यानी सिर्फ ईंधन खत्म करने के लिए दो घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा। कहा जा रहा है कि इस विमान ने त्रिची एयरपोर्ट के पास ही आसमान में 24 छोटे और 3 बड़े चक्कर लगाए। राहत की बात यह थी कि इस विमान के लैंडिंग गियर खुल रहे थे, लेकिन फिर भी डीजीसीए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। त्रिची एयरपोर्ट पर किसी भी इमरजेंसी के हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस विमान ने त्रिची एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की और सभी यात्री भी महफूज थे। लेकिन जरा कल्पना कर सकते हैं आप कि आखिर प्लेन में सवार 141 यात्रियों और क्रू मेंबर्स पर उस वक्त क्या बीत रहा होगा। फिक्र में हमारी अगली खबर में एक चिंता और डर वाला सायरन जिसे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। आपने दिल्ली में अब तक बहुत सारे गैंग का आतंक देखा होगा, उनसे जुड़ी क्राइम की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली के लोगों में एक नए गैंग का खौफ है जिसका नाम है गला घोटू गैंग, जिसके सदस्य राह चलते लोगों पर पीछे से अटैक करते हैं, उनका गला दबाते हैं और फिर लूटपाट करते हैं। इसके कुछ परेशान करने वाले, विचलित करने वाले वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में वारदातों के हैं। इसीलिए आज आपको इस गला घोटू गैंग से सावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात के अंधेरे में ये लोग किसी भी शख्स को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि इससे जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन आशंका है कि इसके कई सदस्य अब भी कई दूसरे इलाकों में हो सकते हैं। इस गैंग ने हाल ही में दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में गला दबाकर लूटने वाली वारदात की है। जब सुनसान गली में एक शख्स अकेले जा रहा था तब पीछे से 4 लोगों ने उस पर अटैक किया और उसके साथ लूट। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शक है इसके कई मेंबर्स अब भी दिल्ली में एक्टिव हैं। अब आपको इन लुटेरों के लूट का मॉडल बताते हैं, ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले गला घोटू गैंग के मेंबर कोई इलाका चुनते हैं, उनकी हिट लिस्ट में वो इलाके होते हैं जो रात में सुनसान हो जाते हैं और भीड़ नहीं है। इसके बाद गैंग के लोग इलाके की रेकी करते हैं। वारदात के बाद कहां से भागना है इसके लिए रास्ते चिन्हित किए जाते हैं। फिर रात के अंधेरे में ये लोग घात लगाकर शिकार का इंतजार करते हैं। अगर कोई शख्स इन्हें अकेला आता हुआ दिखता है तो उस पर हमला करते हैं। इसमें से एक मेंबर उस शख्स का गला लॉक कर देता है और बाकी लोग मिलकर उसके पास मौजूद सारा सामान लूट लेते हैं और इलाके से भाग निकलते हैं, क्योंकि वहां अंधेरा और सन्नाटा होता है, इसीलिए इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। अब दिल्ली पुलिस ने इस गैंग से लोगों को सावधान रहने की अपील की। सितंबर और 1 अक्टूबर की इंटरविनिंग नाइट को हमें एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें
एक कंप्लेनेंट जो गुड़गांव से आ रहे थे उनके साथ में इस तरह के चार लड़के आते हैं और एक ने गला दबाया और बाकी ने उनसे 400 रुपये चले। तो इसको हमने इस पर रोबरी का केस दर्ज किया और फिर CCTV फुटेज और उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने 4 लड़कों को पकड़ा, जिसमें से 3 मेजर और 1 माइनर। जनरली इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि उसमें कोई भी अकेला जा रहा है तो उसको उनमें से एक आकर के अचानक से गला दबाता है, बाकी लोग उनसे छीन लेते हैं। तो अभी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नीचे देखिए खबर यह आ रही है, चेन्नई में एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई है। दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई है, यह खबर आ गई है। और जानकारी यह है कि टक्कर के बाद 3 कोच पटरी से पलटे हैं। केवरा पेट्टई रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, घुमडी पुंडी जो एक इलाका है उसके पास यह एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन नंबर 12578, ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, कुमार कुंदन पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, ये दरभंगा मैसूर जा रही थी जो ट्रेन थी, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर का जो इलाका है वहां पे एक्सीडेंट हुआ है और एक गुड्स ट्रेन टकरा गई है ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें 3 बॉगी डिरेल्ड हुई है और 2 में संभवतः आग लगी है। कैजुअलिटी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि टकराने के बाद या फिर डिरेलमेंट के बाद आग लग गई है। अब उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और फिलहाल राहत और बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निशांत, मेरे पास जो विजुअल्स हम कुछ क्षणों में दिखा रहे हैं, कुमार कुंदन खबर ये आ रही है जो आपने बताई है कि वहां पर कुछ कोचेस में आग भी लग गई है। निश्चित रूप से निशांत, सबसे बड़ी बात यही है कि टकराने के बाद कोचेज में आग लगी है, 2 कोचेज में आग लगने की बात हो रही है, जिससे इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि संभव है जान की भी कोई हानि हो सकती है, लेकिन चूंकि उसको लेके कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं आया है इसलिए हम अपने दर्शकों को फिलहाल अभी यह बताने से गुरेज कर रहे हैं। सिर्फ इतनी जानकारी आ रही है कि मालगाड़ी के साथ एक टक्कर हुई है, टक्कर के बाद 3 बॉगी डिरेल्ड हुई है, 2 कोचेज में आग लगा है। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि संभव है कि जब टक्कर हुई हो तो उसके बाद फ्रिक्शन हुआ हो, फ्रिक्शन के बाद जो है वो आग लगी हो, आग लगने की वजह से आग लगी हुआ, उसके बाद क्या कैजुअलिटी है, क्या डेथ है, क्या है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। शाम की घटना है और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। निशान, एक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कुमार कुंदन जो आप मुझे बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा एडिशन ये है और मैं आपको इसका सोर्स भी बताना चाहूंगा। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, बल्कि एक्स पर लिखा है कि एक स्टेबल ट्रेन थी, खड़ी हुई ट्रेन में टक्कर लगी है और कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो इंजर्ड भी हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है, बड़ी चिंताजनक खबर आ रही है कुमार कुंदन। ये 8:50 पे निशान की घटना हुई है और ज्यादा इंपैक्ट जो है वो गुड्स ट्रेन को मिला है, ना कि पैसेंजर ट्रेन को, लेकिन चूंकि बॉगी में आग लग गई है और एक बॉगी में कम से कम 72 लोग तो होते ही होते हैं ऑफिशियली, तो इसलिए इस बात की आशंका जाहिर हो रही है कि आखिरकार क्या स्थिति हुई होगी। ये एक थोड़ा सा डरावना पहलू है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे मामले में राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 8:50 पर हुआ है और वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हैं राहत और बचाव कार्य से जुड़े हुए लोग, और जैसे ही कोई ज्यादा जानकारी इस बाबत मिलती है वो बताते हैं। इस जानकारी के लिए कुमार कुंदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी चिंताजनक खबर है, इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम आपको देते रहेंगे। यहां पर हमारा जो ब्रेकिंग न्यूज का बैंड है आप इसके ऊपर नजर बनाए रखें। फिक्र की अगली खबर में बिजली के बिल वाला खुदकुशी है, 2 बल्ब, 1 पंखा और 1 टीवी चलने पर बिल कितना आ सकता है, सोचिए, एक वाइल्ड गेस करिए। आप बोलेंगे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, ना ना, क्या ये 1,09,221 रुपए का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बिजली बिल वाला ये करिश्मा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हो गया। परिवार का दावा है कि इस बिल की वजह से उसके बेटे ने अपनी जान दे दी। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उस बिजली बिल की तस्वीर है,
सितंबर महीने का यह बिल 1,09,221 रुपए का है जो बिजली विभाग ने भेजा है। बिल में उपभोक्ता का नाम शुभम लिखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। शुभम ने जब यह बिल देखा तो परेशान हो गया। परिवार के मुताबिक काफी भागदौड़ और शिकायत के बाद बिल 16,377 रुपए का कर दिया गया। शुभम ने 14 सितंबर को किसी तरह यह रकम चुकाई, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से अगला बिल आया तो वो परेशान हो गया। 7 अक्टूबर को 8,223 रुपए का बिजली बिल फिर भेज दिया गया। परिवार के मुताबिक घर में 2 बल्ब, 1 पंखा और 1 टीवी के अलावा कोई बिजली का उपकरण नहीं है, तो फिर इतना बिल कैसे आ सकता है। इसके बाद जो हुआ उस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। शुभम के पिता का दावा है कि बिल की वजह से उनका बेटा मानसिक रूप से परेशान हो गया और उसने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि बिजली विभाग कह रहा है कि पारिवारिक वजह से उसने एक कदम उठाया। वो ये बिजली बिल पहले आया था 1,09,021 रुपया, उसमें दौड़ धूप के ये 16,000 जमा किया। अबे 15 दिन नहीं भे, फिर 8,000 आ गया। वो इसी टेंशन में लगा लिया, फांसी लगा लिया। टीवी चलती है, 1 बल्ब, 1 पंखा। उपभोक्ता के पत्नी को मीटर रीड बता भी दिया गया था कि ये बिल गलत निर्गत हुआ है, यह संशोधित होकर 150 से 200 के बीच आएगा। बिल के कारण मृत्यु होने का प्रचार किया जा रहा है जो सही नहीं है। प्रतीत हो रहा है कि घर में किसी पारिवारिक कारणों से ऐसा संभव हो सकता है। परिवार और बिजली विभाग में कौन सच बोल रहा है, यह जांच का विषय है। लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा जरूर खो दिया। वैसे मामला सुर्खियों में आया तो यूपी सरकार एक्शन में आ गई। ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के 2 इंजीनियर समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। मंत्री ने भरोसा दिया है कि जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब मीटर रीडर मीटर की रीडिंग को नोट करके बिल बनाता है तो यह बढ़कर कैसे आ जाता है, वो भी 1,000 में नहीं, लाखों में। क्या बिल तैयार करने वाले कर्मी को एक बार भी ये समझ नहीं आया कि बिल 1,00,000 से ज्यादा कैसे हो गया? वो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकता था, लेकिन शायद उसके पास वक्त नहीं था। वैसे बिजली विभाग भी ये मान रहा है कि सिस्टम की गलती की वजह से ज्यादा का बिल आ गया। सिस्टम, और सिस्टम में लोग नहीं होते हैं क्या? तो इस गलत बिल की जिम्मेदारी किसकी है, बहुत बड़ा सवाल है। बिजली बिल से ही जुड़ी एक अगली खबर आपको बता दें, और 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से आई है यह खबर। अरविंद केजरीवाल आज खुश तो बहुत होंगे। आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत अमेरिका से हुई तो फिर अचानक अरविंद केजरीवाल कहां से आ गए, क्रॉस कनेक्शन कैसे? लेकिन जब आप यह खबर देखेंगे तो आपको यह कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कुछ हफ्ते ही बाकी हैं, धुआंधार प्रचार चल रहा है। उसी प्रचार में केजरीवाल का बिजली मॉडल चर्चा में है, यह दावा खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो भी शेयर किया है। यह वीडियो ट्रंप की मिशिगन में हुई सभा का है। इसमें ट्रंप जनता से वादा कर रहे हैं कि पद ग्रहण करने के 12 महीने के अंदर में बिजली और ऊर्जा बिल 50% कम कर दूंगा। उन्होंने आगे कहा है कि हम में ऐसा करने की शक्ति है। मिशिगन के कार्यक्रम में ट्रंप ने और क्या क्या कहा, पहले यह सुन लेते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सुपर पावर अमेरिका, जिसकी अमीरी की चर्चा दुनिया भर में होती है, जिसका नाम सुनकर डॉलर के ख्वाब आते हैं, वहां बिजली कितनी महंगी है? क्या यह इतनी महंगी है कि चुनावी मुद्दा बन गई है? इसका जवाब भी खुद ट्रंप ने दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने महंगाई दर को लेकर अपने कार्यकाल से बाइडेन के कार्यकाल की तुलना की है। ट्रंप ने दावा किया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में उनके रहते महंगाई दर 1% से भी कम थी, जबकि बाइडेन के आने के बाद यह बढ़कर 34% के पार चली गई है। इस तरह बिजली के क्षेत्र में आंकड़ा 4.5% था, जो बाइडेन के कार्यकाल में बढ़कर 31% से ज्यादा हो गया। यह ट्रंप की बात पर नहीं है,